वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ अनु। गाइज, आज मैं आपको छोटा सा वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताने वाली हूँ कि फेशियल हेयर अगर आपका है तो उसके लिए आपको उसको कैसे रिड्यूस करना है। रिमूव नहीं हो सकता है आपका फेशियल हेयर, धीरे धीरे ग्रोथ कम होता जाएगा। लेकिन पहले ही बता देती हूँ, जो लोग का फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा होता है, मोटा मोटा सा फेशियल हेयर है, तो उनके लिए उनको लेज़र ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है। अगर आप 6 से 7 सिटिंग्स ले लोगे लेज़र ट्रीटमेंट का तो वो रिड्यूस हो जाएगा और रुए रुए जैसा आपका फेशियल हेयर होगा। उसके बाद से आप होम रेमेडीज जो मैं बता रही हूँ आप उसको ट्राई कर कीजिए। आज जो मैं बताने वाली हूँ फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, वो मैं करके भी दिखाऊंगी आपको। और ये बेस्ट तरीका है और सबसे सेफ है, और इसको करते 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 रेगुलरली करते करते आपका ठीक होगा। जो तरीका मैं बताऊंगी इसको आपको 2 दिन बाद 1 दिन आपको करना है। आपको इसके लिए कोई भी बाहर का चीज़ें ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ आपको घर पर है और बहुत सस्ती वाली है, होम रेमिडीज़ है। लेकिन जो मैं बताने वाली हूँ रेमेडी, मतलब ऐसा नहीं है उसको डेली करना है, तो जैसा जैसा मैं बताऊंगी अगर आप उस हिसाब से फॉलो करते हो तो आपका फेशियल हेयर बिल्कुल कम हो जाएगा। फेशियल हेयर अगर फेस में ज़्यादा होता है तो अगर आप पाउडर लगाते हो, क्रीम लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हो, कोई भी चीज़ अच्छे से लगता नहीं है और ऊपर में ना वो विजिबल हो जाते हैं जो प्रोडक्ट आप फेस में यूज़ कर रहे हो। इसलिए फेशियल हेयर रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। घर पर ही होम रेमेडी सबसे बेस्ट है अगर आपका हल्का हल्का सा हेयर है तो। तो गाइज, मैं पहुंच गई हूँ मेरी किचन में। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने सारी चीज़ें ले ली है। ये है फिटकी, तो पहले फिटकी से डस्ट बना लेते हैं। इसको आप कोई भी चीज़ से इसको डस्ट कर सकते हो और डस्ट करके आप स्टोर कर भी रख सकते हो। तो इस तरह से मैं इसको डस्ट बनाऊंगी अच्छे से, एक मतलब बहुत अच्छा सा बारीक सा आपको डस्ट बनाना है। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छा सा डस्ट बना लिया है, इसका पाउडर बन चुका है। अब ये है मिल्क, मिल्क में ऐड करना है बेसन। गाइस, आप सोच नहीं सकते ये कितना इफ़ेक्टिव है। और इसका और भी कई तरह का गुण है, जो मैं ये जो रेमेडी है इससे फेशियल हेयर तो आपका रिड्यूस होगा ही। आपका जो स्किन में ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, डेड स्किन होते हैं, ब्लैक हेयर्स, ये सब भी रिमूव होते रहते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। पेस्ट आप देख सकते हो, इसको आप चाहो तो इसके साथ भी लगा सकते हो मिक्स करके, और इसका पानी भी अलग से ले सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके साथ इसको मिक्स कर दूं। अगर आपका फेस मेरे जैसा बड़ा सा है तो आपको ज़्यादा लेना है, और अगर ठीक ठाक है तो कम लेना है। ऐसे थोड़ा ज़्यादा कम में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा देख रहे हो उस तरह से आपको ये थिक पेस्ट फेस में अच्छे से लगा लेना है, और सूखने के लिए, बिल्कुल ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। गाइस, फेशियल हेयर जो है वो नेचुरल चीज़ है, उसके लिए उतना टेंशन होने वाला बात नहीं है, उतना कोई नोटिस ही नहीं करता है। लेकिन हम लोग अपना फेस को क्लोज से देखते हैं तो, और कुछ लगाओ तो वो ऊपर में विजिबल हो जाते हैं, पाउडर वगैरह या फाउंडेशन या फिर सनस्क्रीन, तो वो विजिबल हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपको करना भी चाहिए। फ़िलहाल तो मेरे फेस में कोई भी फेशियल हेयर उतना नहीं है क्योंकि मैं ये रेमेडी ट्राई करती हूँ, और लेकिन डेड स्किन रिमूव हो जाएंगे भी इससे।
तो मैं पूरा फेस में लगा लूँगी इसको। याद रखिए बिल्कुल आपका जो मतलब आईब्रो है उसमें बिल्कुल भी नहीं लगना है। भाई मेरा आईब्रोज मुझे बहुत प्यारे हैं, मैंने बहुत जन को देखा है बिल्कुल आईब्रोज नहीं है, बहुत कम है, बहुत मेहनत करना पड़ता है आईब्रोज के पीछे। सबको आईब्रोज से दूर रखना बिल्कुल। अच्छा तो मैं अब सूखने के लिए 10 से 15 मिनट छोड़ देती हूँ, फिर मैं रिटर्न आती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा फेस बिल्कुल ड्राई हो गया और थोड़ा ज़्यादा ही ड्राई हो गया। मैंने 20 मिनट एक सीरियल देख रही थी, 20 मिनट मेरा निकल गया और बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड से ये एकदम चिपक गया है। आप लोग इतना मेरे जैसे इतना ड्राई मत कीजिएगा। 10 10 मिनट ठीक है, ठीक है 10 मिनट लगा के देखिए ऊपर का डायरेक्शन में आपको इस तरह से उठा लेना है। और इसके साथ क्या होगा ना, बेसन आपका जो हेयर है वो उसके साथ चिपक जाता है और धीरे धीरे ये रिमूव हो जाता है फेशियल हेयर, और ग्रोथ भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये जो बेसन है इसका जगह में आप आटा मतलब मैदा ले सकते हो, बहुत अच्छा होता है। फेस में अगर पिंपल्स है तो मैदा के साथ या फिर बेसन के साथ आप वाटर भी ले सकते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और पिंपल्स नहीं है तो दूध लगा के इस तरह से उसको पेस्ट बना के फेस में लगाइए। हर 2 दिन में इसको लगाइए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फिटकरी आप फेस पैक के साथ भी ऐड कर सकते हो, और नहीं तो बाद में भी जैसा सिर्फ बेसन और दूध मिला के उसका पेस्ट बना के फेस में लगाए, फिर जिस तरह से मैं इसको उठा रही हूँ रिमूव कर रही हूँ उस तरह से रिमूव करने के बाद आप फिटकरी का पानी भी फेस में लगा के सो सकते हैं। जहाँ जहाँ आपका बाल है या अगर पूरा फेस में है तो पूरा फेस में लगाइए, अगर बॉडी में आप लगाना चाहते हो जहाँ पे आपका हेयर है, हैंड्स में, लेग्स में, इसमें आपको उसको लगा लेना है, चिपक जाएगा और वो उठ जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट, सबसे सेफ तरीका है। फिटकरी जो लोग का पिंपल्स है उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। पिंपल्स अगर है आपका फेस में तो आप रात को फिटकरी का पानी लगा के सो जाइए, ठीक है। पहले फिटकरी का जो डस्ट है उसको लीजिए, उसको पानी के साथ मिला के जहाँ जहाँ पिंपल्स है सिर्फ वो जगह में आप देके सो जाइए, सुबह उठ के धो दिए तो वो कहीं हद तक पिंपल्स आपका जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो फिर जब आप उसको उठोगे थोड़ा सा रेडनेस रहेगा, लेकिन उसमें डरने वाला कोई बात नहीं, वो 2 3 मिनट में वो रेडनेस आपका बिल्कुल चला जाएगा। तो ये जो रेमेडी है आप ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर 100% मैं गारंटी देती हूँ आपका फेसियल हेयर जो है वो रिमूव हो जाएगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना पड़ोस के साथ ताकि मुझे भी अच्छा लगे और उसका भी हेल्प हो जाए। मैं अनुष्का, फिर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।